हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2015 में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का ये जो क्वेश्चन आया है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द फंक्शनल आई वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस टू वाई साइन एक्स डी एक्स हैज़ द फॉलोइंग एक्सट्रीमल विथ सी वन एंड सी टू एज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, इन चारों ऑप्शन में से एक्सट्रीमल कौन सा होगा इस फंक्शनल के लिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस टू वाई साइन एक्स। अब हमें पता है ऑयलर फॉर्मूला क्या होता है, डेल एफ अपन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो पहले इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर डेल एफ अपन डेल वाई क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर का टू वाई, फिर यहाँ से माइनस टू साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपन डेल वाई डैश। तो डेल एफ अपन डेल वाई डैश, तो वाई डैश का जो डिफरेंशिएशन होगा, मतलब वाई डैश के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ से टू वाई डैश, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वापस यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टू वाई माइनस टू साइन एक्स, ये तो एज इट इज़, और यहाँ से आ जाएगा टू वाई डबल डैश। तो इक्वेशन आ गई टू वाई माइनस टू साइन एक्स माइनस टू वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर टू को कॉमन ले तो माइनस वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो वाई डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एम की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, प्लस माइनस वन। देन सी एफ हो जाएगा सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि यही तो होता है सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स। इस तरह से तो चलती है, जब अगर रूट्स इस तरह से दिए हुए, रूट्स अगर डिफरेंट हो तो यहाँ से रूट्स डिस्टिंक्ट है, तो सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ से पी आई फाइंड करेंगे तो पी आई आ जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से जब हम लिखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये डी स्क्वायर माइनस वन वाई। तो पी आई के लिए क्या लिखेंगे हम, वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन एंड इंटू में माइनस साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये साइन एक्स के रिस्पेक्ट में है तो पी आई किस तरह से आएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो किस तरह से लिखते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा माइनस वन माइनस वन इंटू माइनस साइन एक्स। यहाँ से आएगा वैल्यू माइनस टू, एक माइनस पहले से, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो वैल्यू आ गई हमारे पास वन अपॉन टू साइन एक्स। एंड जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ की वैल्यू है सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, और पी आई की वैल्यू है वन बाई टू साइन एक्स। तो ये वैल्यू रख दी तो ये आ गया हमारे पास एक्सट्रीमल। अब देखिए ऑप्शन में, यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन में यही वैल्यू दी हुई है सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन टू साइन एक्स। देन सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए।